हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार अपने YouTube चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल में आप सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, UGC नेट एग्जाम में अपेयर होने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास एलिजिबिलिटी, क्या एज लिमिट तक आप नेट JRF एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपका इसी डाउट को क्लियर करूंगा इस वीडियो के थ्रू। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार एक स्टूडेंट के पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए नेट और JRF एग्जाम में अपेयर होने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल और EWS कैटेगरी का। तो जनरल और EWS कैटेगरी के पास 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में विदाउट राउंडिंग ऑफ। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अगर जबकि आपके पास 54.6% मार्क्स भी है तो इसे 55% नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे सिर्फ 54% माना जाएगा। दोस्तों, बिना राउंड ऑफ किए आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए पीजी में, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे अगर आप जनरल और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। वहीं दोस्तों, अगर जबकि आप SC, ST, OBC, PWD या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए होगा बिना राउंड ऑफ किए मास्टर डिग्री में UGC नेट JRF का फॉर्म फिल करने के लिए। वहीं दोस्तों, अगर जबकि आप अपना PhD कंप्लीट कर चुके हैं और अगर अब तक आप नेट JRF क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और यदि कि फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोस्तों आपको चाहिए होगा पीजी में 50% मार्क्स बिना राउंड ऑफ किए। यानी कि दोस्तों, यहां से एक चीज स्पष्ट हो गया है कि अगर आप SC, ST, OBC, PWD या ट्रांसजेंडर और साथ ही साथ PhD होल्डर हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए होगा अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में इस फॉर्म को भरने के लिए। वहीं वैसे स्टूडेंट जो जनरल और EWS कैटेगरी में आता है उसे यहां पे 55% मार्क्स चाहिए होगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं कि आखिरकार वैसे स्टूडेंट जो अपना मास्टर डिग्री इस वक्त कर रहे हैं वे फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मेरा जवाब है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक सवाल जो निकल कर आता है कि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट तो अप्लाई कर ही सकते हैं, साथ ही साथ फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि जब आप UGC नेट क्वालिफाई कर जाएंगे तो जो सर्टिफिकेट आएगा उस सर्टिफिकेट पे साफ साफ लिखा होता है कि जिस डेट को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वहां से 2 साल का समय आपको दिया जाता है आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों, आपको जिस डेट को रिजल्ट आएगा उस डेट से 2 साल के अंदर अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लेना है 50% मार्क्स और 55% मार्क्स के साथ। अगर जबकि आप SC, ST, OBC ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं तो आपको 50% मार्क्स के साथ अपना पीजी कंप्लीट कर लेना है 2 साल के अंदर। वहीं अगर जबकि आप जनरल या फिर EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपको 55% मार्क्स के साथ 2 साल के अंदर अपना पीजी कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और सेकेंड ईयर वाले भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि आखिरकार एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है इस एग्जाम में बैठने के लिए। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यहां पे नेट एग्जाम में अपेयर होने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। यानी कि किसी भी एज लिमिट या फिर किसी भी एज ग्रुप वाले व्यक्ति नेट का एग्जाम दे सकते हैं। यहां पे कोई भी अपर एज लिमिट और लोअर एज लिमिट नहीं रखा गया है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें JRF के लिए यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए तो यहां पे एज रखा गया है मैक्सिमम 30 ईयर, यानी कि 30 साल तक आप इस एग्जाम को दे सकते हैं JRF के लिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि नेट का एग्जाम जो होता है वो 2 पार्ट में होता है, नेट और JRF। तो दोस्तों, नेट में कोई एज लिमिट नहीं है लेकिन कि JRF के लिए एज लिमिट रखा गया 30 ईयर। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे कैटेगरी हैं जिनको यहां पे रिलैक्सेशन दिया गया है एज में। तो दोस्तों, वो कौन सा कैटेगरी है, सबसे पहले आप देख लीजिए। ओबीसी से अगर आप आते हैं, SC से आते हैं, ST से आते हैं, PWD से आते हैं या फिर ट्रांसजेंडर से आते हैं तो आपको यहां पे 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। यानी कि दोस्तों, अगर यदि कि आप इन 5 में से किसी कैटेगरी से आते हैं तो 5 साल आपका एज रिलैक्सेशन बढ़ जाता है, यानी कि टोटल 35 ईयर तक में आप अपना JRF का एग्जाम दे सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर जितके आप फीमेल अप्लीकेंट हैं
और फीमेल अप्लिकांट का मतलब है ऑल कैटेगरी, चाहे वो कोई भी कैटेगरी के फीमेल अप्लिकांट हैं, तो उसको भी यहाँ पे 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 35 साल तक वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं दोस्तों वैसे स्टूडेंट जो LLM डिग्री होल्डर हैं, उसे यहाँ पे 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिला है, यानी कि LLM वाले को 33 साल दिया गया है JRF क्वालिफाई करने के लिए। वहीं दोस्तों अगर आप आर्म फोर्स में हैं तो 5 ईयर का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है, यानी कि 35 ईयर तक में आप JRF क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, नॉर्मली वैसे रखा गया है एज 30 साल, लेकिन कुछ कैटेगरी को कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कैटेगरी को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो दोस्तों ये था एज संबंधित जानकारी UGC नेट के एग्जाम में बैठने के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही साथ इस तरीके के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।